हाँ बेटा, आज हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा शर्त प्रकट करने वाले वाक्य। इसके पहले हमने आपको तीन वीडियोस दिए बेटा, उनमें हमने आपको एक एक पॉइंट जो है क्लियर करके बताया बेटा, ठीक है। कब जो है यह प्रेजेंट और फ्यूचर का कंडीशनल होता है, कब यह पास्ट का कंडीशनल होता है, और कपोल कल्पना वाले वाक्यों में एक मेयर इमेजिनेशन वाले वाक्यों में, मेयर सपोजिशन वाले वाक्यों में एक वचन कर्ता के साथ भी बहुवचन की क्रिया आती है, क्यों आती है यह भी समझाया आपको, ठीक है। आज जो है देखिए उसी का एक वीडियो और मनाया जा रहा है। जब लड़के ने कहा गुरुजी अगर शर्त वाला भाग खुद प्रेजेंट टेंस में है तब क्या करेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, तब क्या करेंगे। तो ध्यान सुनो बेटा, अगर शर्त वाला भाग खुद प्रेजेंट टेंस में है तो उसको प्रेजेंट टेंस में बनाओगे, और आगे जो वाक्य है जिस टेंस में है उसी टेंस बना दोगे, इसलिए इसका कोई ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सरल बेटा, प्रश्न क्या है कि गुरुजी अगर शर्त वाला भाग खुद प्रेजेंट टेंस में है तब क्या करेंगे। देखिए बेटा, जैसे कहा बेटा यदि वह अंग्रेजी में कमजोर है तो उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए। यह लिखा बेटा, यदि वह अंग्रेजी में कमजोर है तो उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए, नो टेंशन। अब देखिए शर्त वाला भाग क्या बेटा, यदि वह अंग्रेजी में कमजोर है तो यह तो खुद ही प्रेजेंट टेंस है ना, तो इसको आप प्रेजेंट टेंस बनाएं, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए। मॉडल देखो चाहिए लगा है, तो मॉडल का यूज हमने आपको बता दिया है, सीधे बना दो बेटा। यदि वह अंग्रेजी में कमजोर है तो क्या बनाओ बेटा, बनाइए इफ ही है, कैंग्रेजी क्या लगाओगे इज, कमजोर कैंग्रेजी क्या लगाओगे वीक, में कैंग्रेजी एन इंग्लिश, इफ ही इज वीक इन इंग्लिश, बताइए कौन सा टेंस है। सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इनडिफिनिट है और प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। टेंस प्राचीन में बताया था ना, तो कैंग्रेजी क्या लगाओगे कामा, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए, क्या लगाओ बेटा ही चाहिए, क्या लगाओगे शुड, ही शुड वर्क हार्ड, बड़ा बेटा बन गया। शर्त वाला भाग प्रेजेंट टेंस में है तो आगे जो भी वाक्य लिखा है नो टेंशन, आपको सब आता है बेटा, क्योंकि आपने पाठक से पढ़ लिया तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई बेटा। इफ ही इज वीक इन इंग्लिश ही शुड वर्क हार्ड, ठीक है। यदि वह अंग्रेजी में कमजोर है तो उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए। शर्त वाला भाग इस समय खुद किस में है, प्रेजेंट में है, तो उसको हमने प्रेजेंट बनाया और फेस वाले भाग को जिस टेंस में था उसी टेंस बना दिया, ठीक है। इसी प्रकार से एक वाक्य और लेकर के समझाते बेटा, देखिए बेटा जैसे लिखा, यानी बहुत सरल से समझो, अगर कठिन करके देखिए बेटा, कुछ लोग आपके दिमाग में यह भरते हैं कि अंग्रेजी बहुत कठिन है, बहुत सरल है बेटा। आप हिंदुस्तान के हो तो कम से कम हिंदी भाषा तो पाठक की समझ रहे होंगे, तो कितने सरल तरीके से कोई समस्या आप हल कर लो यह बुद्धिमानी है कि समस्या को और कठिन करके प्रेजेंट करो यह बुद्धिमानी है, सरल करके। यानी कोई समस्या आपके सामने आती है तो आप उसको सरल से सरल तरीके से हल करने की क्या करो, कोशिश करो, उसको और कठिन न बनाओ, हमेशा ध्यान रखो। आपको हमने देखा कि बहुत सारे लोग गाइड करते हैं, कहते हैं अंग्रेजी बहुत कठिन है बेटा, इतना ध्यान रहे अंग्रेजी इस संसार की सबसे सरल भाषा है बेटा,
इसीलिए आल ओवर वर्ल्ड बोली जाती है। अब गधा भी अंग्रेजी बोलता है तो गधा अंग्रेजी कैसे बोलता है? अरे यार, यहीं अपने इंडिया के दक्षिण भारत में चले जाओ, दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, तो वहाँ के लोग स्वीपर जो है वो भी अंग्रेजी बोलता है। तो बताइए, वो PhD किया है क्या? नहीं ना, लेकिन उसका अभ्यास है, बोल लेता है। तो वही चीज़ आपको हम यहाँ सिखा रहे हैं बेटा, कि जब यहीं भारत का ही आदमी जो एक स्वीपर है वह अंग्रेजी बोल सकता है, तो आप भी अंग्रेजी क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। आप तो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो यार, ठीक है, तो उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कहा बेटा, अगर तुमने अपना पाठ नहीं याद किया है तो अब याद कर लो। यह वाक्य बेटा आपके सामने वाक्य है, यदि तुमने अपना पाठ नहीं याद किया है तो अब याद कर लो। बताइए, पहले शर्त वाला भाग किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में है। अरे तुम्हारे सामने यार, प्रेजेंट परफेक्ट तो आपको पढ़ा चुके ना, यह प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ। और यह जो फ्रेश वाला भाग है यह इम्परेटिव सेंटेंस है, उल्टी गंगा बहाना है, याद है? तो आप उसी ढंग से आप इसको बना दीजिए। चूँकि आप सारे टेंस पीछे पढ़ चुके हैं, जो लड़के अब नए जुड़ रहे हैं उनसे ये कहना है कि पाठक ने जो पीछे बहुत सरल तरीके से आपको समझाया है, रटाया नहीं, समझाया है, उसको अगर आप अडाप्ट करते हो तो सब कुछ आपको सरल लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बेटा, अगर की अंग्रेजी क्या लगा बेटा? इफ ना बेटा, तुमने अपना पाठ नहीं याद किया है, प्रेजेंट परफेक्ट, यू हैव नॉट, ना बेटा, यू हैव नॉट याद करना, लर्नड, ना बेटा, इफ यू हैव नॉट लर्नड योर लेसन, यदि तुमने अपना पाठ नहीं याद किया है, इफ यू हैव नॉट लर्नड योर लेसन, तो कहना जी क्या होता है तुम्हें, कामा, अब याद कर लो, लर्न इट नाउ, बन गया बेटा। इफ यू हैव नॉट लर्न योर लेसन, लर्न इट नाउ। देखो हमने कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया बेटा। शर्त वाले भाग को प्रेजेंट टेंस बनाया, और फ्रेश वाला भाग जो है जिसमें है उसी में हमने बना दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कभी मिसगाइड ना हो बेटा, बहुत सरल से। हाँ, अब इतना जरूरी है कि बेटा जब तक टेंस आपको नहीं क्लियर होगा तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप पूरी बात समझ करके पढ़ो, तब जा करके और सरल होगा बेटा। तो देखो यार, यह हमने बताया, अगर तुमने अपना पाठ नहीं याद किया है तो अब याद कर लो। इसी प्रकार से एक वाक्य और लेकर के आपको समझाते बेटा। जैसे कहा बेटा, कुछ नहीं बेटा, बहुत सरल है। जैसे कहा बेटा, एक सेंटेंस है बेटा, जैसे कहा बेटा, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम परीक्षा अवश्य टॉप करोगे। देखो ध्यान से, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, बताइए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है, तो इसको आप प्रेजेंट टेंस बनाइए, और आगे जो है जिस टेंस में वाक्य है जैसा है आप उसको कर दीजिए बेटा। शुरू करें, जैसे कहा क्या बना बेटा, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, यदि कहने क्या लिखो बेटा, इफ तुम कठिन परिश्रम करते हो, प्रेजेंट इन्फिनिट है, बना बेटा, इफ यू वर्क हार्ड, क्या, इफ यू वर्क हार्ड, तो कहने क्या लगाओगे, कामा, तुम परीक्षा अवश्य टॉप करोगे, तो अवश्य कहने क्या था, मस्ट, यू मस्ट टॉप द एग्जाम,
पढ़ो बेटा बन गया। इफ यू वर्क हार्ड, देखो शर्त वाला भाग किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है, तो आगे वाला भाग जिस टेंस में, उससे हमने बना दिया आपका वाक्य। इसमें कोई दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। जैसे कहा बेटा एक वाक्य समझ आए बेटा, कुछ नहीं करना बेटा, एक एक वाक्य आपको समझ आए बेटा। से कहा बेटा यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में सारे प्रश्न हल कर सकता है। दिमाग लगाइए बेटा, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में सारे प्रश्न हल कर सकता है। आप बताएं शर्त, शर्त क्या लगी है, यदि वह बुद्धिमान है तो शर्त वाला भाग खुद प्रेजेंट बनाओ, आगे वाला भाग जिस टेंस में उससे बना दो बेटा, अपने आप वाक्य बन जाएगा। बोलो यदि के अंग्रेजी क्या लगा बेटा, इफ वह ही, इफ ही इज इंटेलिजेंट, इफ इज इंटेलिजेंट प्रेजेंट टेंस है, तो आगे जो भी टेंस है बना दो, डरो नहीं। ही कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस में कह रहे जी इन द एग्जाम। पढ़ो बेटा बन गया, इफ ही इज इंटेलिजेंट ही कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में सारे प्रश्न हल कर सकता है। आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत है, अगर शर्त वाला भाग खुद प्रेजेंट टेंस में है तो आप उसको प्रेजेंट टेंस बनाइए, और फ्रेश वाले पार्ट को जो टेंस है उसमें बना दीजिए। नो टेंशन, आपका सवाल हल हो जाएगा। थैंक यू बेटा।